सामने आप प्राउड की कह रहे हैं, प्राउड फील ना हो, लेकिन प्रभु कृपा फील हो रही है कि ऊपर वाले की विशेष कृपा है कि आज हम यहाँ खड़े होकर और मूवी की सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब निश्चित रूप से बहुत लोगों की मेहनत है कि फिल्म वहाँ पे बनाई गई, उसके बाद फिल्म यहाँ पे जो है जितना भी काम हुआ वो परिश्रम का अलग विषय है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पर्दे में लाने का श्रेय किसी को जाता है तो विवेक फिल्म से। मंजू भारती, मुकेश भारती वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इतना अथक परिश्रम करके, क्योंकि लोग कहते थे कि शायद जो है किस तरह लॉन्च करेंगे, किस तरह रिलीज होगी, थिएटर पे तो आ ही नहीं सकती, तो ये ऊपर वाले की कृपा हुई, ये जुड़े इन्होंने मतलब जो है। और आपको मैं बताऊं कि छोटी सी बात कि कोई ऐसा प्लान नहीं था अचानक, मंजू मुकेश वैसे सामान्य रूप से मिलने आए थे और अचानक फिल्म की बात चली कि हम प्लान कर रहे हैं रिलीज करने की, तो उसके बाद इन दोनों ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और क्या बखूबी निभाया, वो आप सबके सामने है। सर, लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिला फिल्म को लेकर, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कमेंट्स मिले फिल्म को लेकर? देखिए, लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे रहे हैं तो हो सकता है कि मैं एक बबल में जी रहा हूँ, लेकिन जो हमारे मिलने वाले हैं हर जगह, पानीपत जाके देखा हाउसफुल, जींद में हाउसफुल, हिसार में हाउसफुल, रोहतक में हाउस, हमारी साइड में तो फिल्म हाउसफुल चल रही थी, जयपुर में, अहमदाबाद में, बहुत सारी जगह फिल्म हाउसफुल चली है, तो अपने आप में वो एक ऐसा विषय है जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। आपसे जानना चाहूंगा कितना प्राउड फील हो रहा है, जैसे मैंने सर से पूछा आप क्या क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले मतलब अपने बेटे के लिए? अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का सहयोग भी और मंजू मुकेश जी का सहयोग बहुत अच्छा है। सर, आगे एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट भी है, थोड़ा सा अगर बताएं उस बारे में कि किस तरह की फिल्म होगी, कीमत है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो इस फिल्म को यहाँ तक लेके आए हैं वो अपने मुंह से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो और मैं बाकायदा बताना चाहूंगा। बोलिए बोलिए जी सर, भारती, मंजू भारती जी, जी जी क्या बात है, ये सर सो मुकेश जी, मंजू जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो सक्सेस मिली है उसके लिए। सबसे पहले बताइए कि सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सक्सेस हुई जैसे सर ने पूरा क्रेडिट दिया है फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप सब आज इस इतनी अप्रिशिएट मोमेंट को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक फिल्म की एक जर्नी होती है और फिल्म जब पर्दे पर आती है, रिलीज होती है, फिर उसके बाद वो जर्नी हमारी तरफ से कंप्लीट होती है, लेकिन हमें इंतज़ार होता है ऑडियंस के रिस्पॉन्स का। तो ये फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिल्म काफ़ी जगह हाउसफुल रही और बस जो हमारी मेहनत थी वो सक्सेस रही। बस मैं थैंक्स बोलूँगी गुरुजी को कि गुरुजी ने ये जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना, तो मैं इसके लिए ही बहुत थैंकफुल हूँ। और बस आगे हम और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं गुरुजी का, जिसका टाइटल कीमत है। तो कीमत अपने आप में ही एक इतना वेटेज वाला टाइटल है और फिल्म की स्क्रिप्ट और सारी चीज़ों पे अभी काम चल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म बनकर आएगी और बहुत बड़े लेवल पर भी आएगी। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोड्यूसर लोग पिक्चर बनाते हुए रिलीजिंग में दिक्कत तो होती है, बट इस फिल्म में ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं हुई और बहुत खूबसूरती तरीके से जो है ये फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म है और उसी तरीके से ये जो है रिलीज हुई है पिक्चर। और मुझे लगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये धूम मचाया इस पिक्चर ने और कई जगह तो मैं खुद गया इस पिक्चर के प्रमोशन में, मैंने देखा कि हाउसफुल देखे मैंने, और आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि सक्सेस पार्टी है इसकी। और साथ में ही मैं ये कहूँगा कि गुरु जी की वजह से आज बहुत जल्द ये पिक्चर जो है लॉन्च हुई है, कीमत जो पिक्चर का नाम है कीमत, और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्द मतलब गुरु जी की कृपा से मैं कहता हूँ कि जैसे हमने लव इन क्रेन का ट्रेलर लॉन्च किया था या पोस्टर लॉन्च किया था, उसी तरीके से ये कीमत पिक्चर बनेगी और शूटिंग बहुत जल्दी चालू होगी और आप लोगों के सामने वो ट्रेलर दिखाया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है जिस चीज़ को बहुत जल्द देखेंगे। सर, फिल्म कब से फ्लोर पर जा रही है? देखिए, अभी जो है इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है हमारी और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सिर्फ हमारे इस टाइम हम अपनी पिक्चर का एक टाइटल लॉन्च कर रहे हैं
जो कि जो विपिन है इस पिक्चर के जो हीरो हैं, वो मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और अच्छे एक्टर के साथ वो एक अच्छे इंसान भी है विपिन कौशिक, और बहुत जल्दी वो जो है एक नया गेटअप में आने वाले हैं जो पिक्चर का नाम है कीमत, बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है आएंगे। देखिए कीमत के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी प्लानिंग है और जाहिर सी बात है स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि अभी काम चल रहा है स्टोरी पे, और जिस तरीके स्टोरी है वो मुझे लगता है कि कई जगह की शूट बाकी है उसकी, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी लोकेशन उस पर डिसाइड करेंगे, वो भी डायरेक्टर डिसाइड करेगा, बाकी जो है गुरु जी है वो बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल, इसको मतलब अपने देश में ही शूट करने का प्लान है, यूक्रेन जैसा कि लव इन यूक्रेन जो शूट हुई है वो 100% यूक्रेन में ही शूट हुई है पूरी फिल्म शुरू से आखिर तक, उसमें कहीं भी और कहीं से कोई सीन नहीं लिया गया है, लेकिन इस फिल्म को हमने जो प्लान किया है कि उसमें देहरादून मनाली शिमला इनकी वादियां भी आप देखेंगे और महानगरों में भी ये फिल्म शूट होगी, क्योंकि थोड़ी सी कहानी है वो अलग ही है काफी मतलब जो है, और ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि कहानी बड़ी यूनिक होगी जो कीमत हुई है। मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह से बात कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच द फिल्म, फिल्म मैंने नहीं देखी है लेकिन उनको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, बिकॉज इट्स रियली गुड एंड जो उनकी हिंदी में पकड़ है मुझे काफी अच्छा लगा कि बॉलीवुड में कुछ अब ऐसे एक्टर्स भी और आ रहे हैं हिंदी में अच्छी पकड़ है, वेरी वेरी गुड लक एंड इवन फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म वो आगे काफी बड़े स्टार और मैं अब ज्यादा डायरेक्शन में चला गया हूँ, मेरी एक फिल्म बाहर जो अभी रिलीज हुई है हॉटस्टार पे एंड उसका पार्ट टू कल रिलीज हो रहा है, सो है उसके लिए डायरेक्टर हैं और वो मैंने डायरेक्ट की है, नाउ आई मूविंग टू डायरेक्शन। खास करके विदेश भारतीय और मंजू भारती जो हमारे पत्रोज है उनको मुबारकबाद, उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है और सबसे इम्पोर्टेंट की उदय जी और मंजू जी ने उसे रिलीज किया है और मैं थी एक ही नहीं पर इतना कुछ सुना फिल्म के बारे में तो शिवांगी सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैंने पहले देखा बहुत छोटे छोटे भी लग रही है आप लोगों का बहुत बड़ा मतलब योगदान सहयोग, क्योंकि सब करने वाले तो आप ही लोग हैं,
मतलब आप आगे हैं समझ लीजिए और हम पीछे हैं। कीमत जो है इनकी कीमत समझ लीजिए, मतलब मैंने कोई कीमत नहीं, अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है भैया, ये आपने अच्छी बात अनमोल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कीमत को लेकर, आप जो है नई फिल्म भी अनाउंस हो गई है और अभी फिल्म में इतनी बड़ी लीक हो गई है सबके बीच में, मीडिया का ऑडियंस का सबका हम शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत सपोर्ट किया, सबसे बहुत ही सहयोग मिला, फैमिली मंजू जी है, इन्होंने तो दिन रात जो मेहनत की है इसके बिना तो कुछ भी सक्सेस होना पॉसिबल ही नहीं, और कीमत को लेकर हम बहुत एक्साइटेड एंड अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, बड़ी जल्दी ही इन नेक्स्ट वन मंथ सामने आएंगी चीज़ें। कीमत के साथ जो है ये फिल्म बनने वाली है और ये जो है देखेंगे इस फिल्म को जो कीमत को, मतलब जो ये फिल्म अभी जिसकी सक्सेस पार्टी हुई है, ये सक्सेस पार्टी जिसकी हुई है उसकी दूसरी पिक्चर कीमत है, ये लोग सच में इसको कीमत का अंदाज देंगे कि मतलब हाँ ये कोई फिल्म थी कीमत, क्योंकि तो आपको बहुत पसंद है इस चीज़ का कीमत और बहुत जल्दी जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है। तो सिमरन जी भी हमारे साथ, सिमरन क्या कहना चाहेंगे यूक्रेन, लव इन यूक्रेन, एक और मतलब हमारे सामने विपिन जी और मुकेश जी, मंजू जी भी साथ में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मंजू जी थैंक यू कि मुझे ऐसे खूबसूरत हमारे स्टार से मुझे मुलाकात करने का मौका मिलता है, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू मैं सुनील गर्ग और कमल आहूजा जी से, एट द सेम टाइम जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है, मुकेश जी थैंक यू सो मच, और आपके तीनों फिल्म में प्रेजेंट थी और आपके इस फैमिली में भी मैं हिस्सा हूँ, सो थैंक यू सो मच, एंड एट द सेम टाइम पंडित पवन कौशिक जी को ढेर सारी बधाइयां देना चाहूँगी और बबीता कौशिक जी को जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, एंड स्पेशली लव इन यूक्रेन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के बाद शायद एटलीस्ट कुछ डेकेड्स तक तो वहाँ पर कोई फिल्म शूट ऐसे ब्यूटिफुल लोकेशंस पर नहीं हो सकती है, एंड बहुत ही स्पेशल फिल्म इसलिए क्योंकि हमारी जो लीजा है वो यूक्रेनियन है और वहाँ का पूरा कल्चर उन्होंने खूबसूरती से दिखाया है जो शायद वर्ल्ड के लिए इसी फिल्म के दौरान वो देख सकते हैं द कल्चर ऑफ यूक्रेन, और उसके बाद वो शायद ये नहीं देख सके, तो ढेर सारी खुशियां हैं, सुपर सक्सेसफुल जो फिल्म की होती है हमने इतने सालों से नहीं देखी है और आज सुपर सक्सेस सेलिब्रेशन के साथ साथ अनवीलिंग ऑफ कीमत, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं भी इतनी खुश हूँ, एंड मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी टू आर फ्यूचर सुपर स्टार विपिन, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज अ ग्रेट बिगनिंग, एंड मंजू पाटिल जी थैंक यू फॉर टेकिंग द फिल्म टू 256 थिएटर्स आप सबको बताना चाहूंगी हरियाणा वॉज सुपर हाउसफुल एंड इट वॉज ऑलवेज समवन सपने जैसा लगता है और जब शुरुआत होती है और शुरुआत के साथ सफलता मिलती है तो सपना लगता है, आप सोचते हैं कि रुक रुक कर चलेगा लेकिन जब स्मूथ रोड मिलता है और आपकी गाड़ी फुल स्पीड चल रही होती है तो लगता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन हाँ सब ठीक ठाक है और उस पर अनदर स्टेपिंग स्टोन कीमत नई फिल्म, इट इज अ विविडली वंडरफुल ड्रीम। Also, जिस तरह का सपोर्ट मम्मी डैडी ने दिया है, मुकेश जी और मंजू जी ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस सपोर्ट के बारे में? देखिए आप बिजनेस कीजिए, आप अकेले अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, आप कुछ भी करेंगे आपको सपोर्ट की जरूरत होती है और किस्मत लक शायद मेरे साथ है, रहेगा और रहा है कि मेरे साथ सपोर्ट रही, मेरे परिवार की, मेरे दोस्तों की, मेरे शुभ चिंतकों की, और शायद उसी का ये नतीजा है कि एक फिल्म आपके सामने आई और उसी के साथ दूसरी का आगाज होने लगा। और आपके मम्मी डैडी के आंखों में जो खुशी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे बयां करना चाहेंगे? एक अचीवमेंट का एहसास होता है किसी को भी जब उनके माता पिता को खुशी होती है उनके कुछ काम करने में, वरना सारी जिंदगी यही सुनने को मिलता है ये नहीं किया वो नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया,
लेकिन जब वो खुशी से बोलते हैं ना तो थोड़ी सी एक तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो कुछ तो किया। अगर कीमत की बात करें थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि कीमत के लिए कितने एक्साइटेड है और जो कोलैबोरेशन हुआ है पिताजी के साथ मिंटू जी और मुकेश जी के साथ कितने एक्साइटेड है और क्या देखने मिलेगा आप कीमत में। पहली फिल्म आई आपके सामने आई आपने देखा सराहा और आज का दिन आया और उसी के साथ एक कीमत इस फिल्म का आगाज हुआ। आप जब कुछ भी करते हो और उसके बाद उसी फील्ड में उसी लय में उसी धारा में एक नई चीज बन के आती है तो आप उसमें पहले से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये बट नेचुरल है और यही मन में है इसी की इच्छा है यही करना है कि जो कमी पहले रह गई वो सुधार ली और जो जो अच्छी चीजें पता लगी उसको और हाईलाइट कर लिया और अच्छे तरीके से आपके सामने फिर से। मैं आया हूँ क्योंकि मैंने इसका प्रीमियर देखा था मेरा अनुभव बहुत अच्छी फिल्म थी मुझे पूरी उम्मीद थी कि बहुत चले कि मेरा पूरा फ्रेशनेस रगड़ते हो ऐसा लगाने के लिए तो क्या पर्सनैलिटी है और डायरेक्टर तो अच्छे हैं। मेरा जिस दिन होने देना देखना मैं अपना भी लगाऊंगा पहले आप जो है ऑल द बेस्ट फॉर न्यू फिल्म ग्रेट सक्सेस बर्थडे भी है क्या कहते हैं कि आपका इतना ज़्यादा आ जाता है आज मुद्दा का बर्थडे है और मुझे अभी अभी काफ़ी इंटरव्यू में चल रहे हैं क्या मिटुदा के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता रहा है जो बहुत कम एक्टर दूसरे करेक्टर होता है आज वो सब लोग 40-45 ईयर और मिटुदा के लिए मैं एक ही दुआ मांगूंगा कि वो हेल्दी रहे और वैसे ही जैसे जवानी में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो से भागते थे वैसे वो भागते थे और काम करते रहे और पूरी दुनिया को बन ऑल द बेस्ट बिकॉज ही वॉज द बेस्ट बिफोर कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देना इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि उनकी जो सेकंड फिल्म है उसके वो भी एक अच्छा बड़ा सक्सेस हो अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज करी है भूत के लिए और कल भी मतलब ऑलमोस्ट 2-3 वेब सीरीज बैक टू बैक है जिसके लिए मैं ऑलरेडी मेरा ऑनलाइन है सो विपिन एक कॉन्फिडेंस मैंने देखा उसकी परफॉर्मेंस में भी और उसकी बात में बहुत कॉन्फिडेंस वाला लड़का है शुभकामनाएं उसको उसका फ्यूचर ब्राइट है इतना ही कह सकता हूँ और वो खुद बोल रहा है कि सेकंड फिल्म जो करने जा रहा है पहले से बेटर करेगा तो ये उसकी आगे बढ़ने की पहली सफलता की सच्चाई है। जो सितंबर के बाद शुरू होगा और 2 प्रोजेक्ट से मेरा काम चल रहा है तो मैं अभी उनकी टाइटल और कास्टिंग रिवील नहीं कर पाऊंगा बहुत जल्दी बस उससे बेटर ही कोशिश करूंगा। तो कहने जा रहा हूँ बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा चूंकि 2 साल के बाद एक मीडियम बजट की फिल्म सक्सेस हुई कीमत ने अपनी कीमत चुकाई है और बहुत बधाई देना चाहूँगा और हम लोग बहुत विरार की तरफ शूटिंग थी वहाँ बता रहे हैं फोन आ रहा था और ये सक्सेस पार्टी के लिए सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई ऑल द बेस्ट।